हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। एक और न्यू रीडिंग के साथ मैं आ गई हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जो रीडिंग करने वाली हूँ मैं आप सभी लोगों के लिए, जानेंगे कि यूनिवर्स आपके लिए आगे के लिए क्या प्लान कर रहे हैं 8-9 दिनों के लिए। तो जो भी रीडिंग में आएगा मैं आपको जल्दी से बताऊँगी, ये काफ़ी लेट हो गया है। तो स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग और देखते हैं यूनिवर्स की आगे के लिए क्या प्लानिंग है। ये रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, इससे आपको पता लग जाता है, आप अपने थोड़ा बिहेवियर पर कंट्रोल कर पाते हैं और इसी के साथ साथ क्या एक्शन आपको लेना चाहिए, क्या चीज़ सही रहेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाती है इस रीडिंग के थ्रू और आप अपना एक्शन सही तरीके से ले पाते हैं। आपको एक आइडिया मिल जाता है किस तरह से आप अपने ऊपर भी कंट्रोल रखेंगे और काफ़ी ज़्यादा हीलिंग हो जाती है इस रीडिंग के थ्रू भी। तो ये रीडिंग आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप सभी के लिए, और ये टाइमलेस है। तो जब भी आप यहाँ तक पहुँच रहे हैं इसका मतलब कि यहाँ पर आपके लिए कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग और देख लेते हैं कि क्या आएगा आप लोगों के लिए। यूनिवर्स की क्या प्लानिंग है, वो क्या प्लान कर रहे हैं, क्या आपको आगे देखने को मिलने वाला है, जो भी आएगा लेट्स सी। ओके, दो कार्ड एक साथ हैं, वाओ, हाई प्रिस्टेस एंड द नाइट ऑफ पेंटिकल्स विर्गो। ये काफी इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है। टेन ऑफ कप्स, ओके, एक और कार्ड अपने आप आया, पेज ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, वाओ, एम्परर, एरीज, स्कॉर्पियो, टॉरस, लियो, एक्वेरियस, सजिटेरियस, वर्गो। ये साइन बहुत स्ट्रांग है, वाओ, ये सब वॉन्ट्स, किंग ऑफ कप्स एंड हेरोफेंट। वाओ, बहुत ही अच्छी एनर्जी है, किंग ऑफ वॉन्ट्स, मेल एनर्जी विद हाई प्रेस्टेस एंड हेरोफेंट ऑल्सो। हेरोफेंट का कार्ड मुझे और हाई प्रिस्टेस का कार्ड मुझे बहुत अच्छा दिखा यहाँ पर। गाइस, टू बी ऑनेस्ट, अगर आप अपने करियर में आगे बढ़ने की सोच रहे हैं या फिर अब्रॉड में शिफ्ट होने की सोच रहे हैं या किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, तो यूनिवर्स ने सारे ब्लॉकेजेस वहाँ से हटा दिए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, सबसे पहली चीज़ तो यही दिख रही है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि अब आपके पास विजडम है, यू हैव गुड स्ट्रैटेजी, यू हैव विजडम, यू हैव नॉलेज अब रिगार्डिंग टू योर पर्पस, ठीक है? तो यहाँ पर दैट इज़ वाई ना कोई न्यू बिगनिंग आप अट्रैक्ट कर रहे हो। बहुत जल्दी आपको कुछ एक अच्छी गुड न्यूज़ मिलने वाली है और ये चीज़ आपकी इंट्यूशन भी आपको बता रही है कि ऐसा होने वाला है। सही गलत की समझ बहुत अच्छे से है, ठीक है? अगर हम ध्यान से देखें तो देखो यहाँ पर ना प्लस का साइन है, इट मीन्स और ये जीसस का भी साइन होता है ना, तो पता है आपके हृदय में भगवान बसते हैं और साथ ही साथ आपका जो ऑरा है वो बहुत पॉजिटिव हो गया है, ठीक है? आपके यहाँ पर अगर हेड पर देखें तो एक बहुत बड़ा मून हमें दिख रहा है जो कि ये बता रहा है कि यस, अब आप बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव के हो चुके हो, पेशेंस रख पाते हो और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो गए हो, डिवाइन के साथ कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग हो चुकी है आपकी और आपको ऐसी फीलिंग आती है कि जो भी रिजल्ट या जो भी आपको आगे आउटकम देखने को मिल रहा है वो बहुत पॉजिटिव जजमेंट आपको मिल रही है, बहुत पॉजिटिव फीडबैक आपको मिलने वाला है या रिस्पॉन्स मिलने वाला है यूनिवर्स की तरफ से आपके पर्पस के रिगार्डिंग, ठीक है? टेन ऑफ कप्स का कार्ड है तो क्लियर दिख रहा है, मुझे लगता है यूनिवर्स ने क्या प्लानिंग करी है आगे। अब आपको खुशियाँ मिलने वाली है आगे, क्योंकि वो खुद ही सारे ऑब्स्टिकल्स हटा रहे हैं आपके लिए। अगर थोड़े बहुत भी ऑब्स्टिकल्स हैं आपके पाथ में तो यूनिवर्स खुद भी हटाने का काम कर रहे हैं, उनको ब्लॉकेजेस हट रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स हट रहे हैं और एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है। ऑनलाइन बहुत इन्वॉल्व रहोगे आप किसी भी काम में, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। लेकिन यस, आप एक एम्परर की तरह भी बिहेव करोगे, एक बहुत इमोशनल पर्सन की तरह भी बिहेव करोगे और एक बहुत ज़्यादा डिवोटी भी आप अपने आप को बिल्कुल बना रहे हो। आप डे बाय डे आपका जो डिवोशन है टुवर्ड्स गॉड बहुत बढ़ता जा रहा है, ठीक है? और बाकी तो एम्परर की पर्सनालिटी है तो यस, आप बहुत कॉन्फिडेंट आप में आ चुका है और काफ़ी ज़्यादा आपका जो ऑरा है वो पॉजिटिव हो चुका है।
चाहे फिर वो आपके फैमिली मैटर है या फिर आपका किसी के साथ कनेक्शन है, आपको 10 ऑफ कप्स ही अचीव हो रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है जो यूनिवर्स ने आपके लिए जो प्लानिंग की है ना। तो यस गाइज, आप काफ़ी खुश रहोगे आने वाले टाइम में। ये चीज़ें दिख रही हैं, वेकेशन पर जा सकते हो बिकॉज़ ये दिख रहा है अपनी फैमिली के साथ। और बाकी तो अगर आपका कोई यूनिवर्सिटी, बिजनेस, जॉब का कोई भी मैटर है तो वो भी बहुत अच्छे तरीके से आप उसको सॉल्व कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। न्यू बिगिनिंग हो रही है आपकी लाइफ में, ठीक है। हायर डिग्री अचीव कर सकते हो, विजडम है आपके पास। तो इस टाइम अब आपको जो कर्म कर लिया है ना अब तक, ऐसा लग रहा है उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। उसका कर्मा, जो भी आपने कर्म किए हैं उसका फल, रिवॉर्ड आपको मिलेगा आने वाले टाइम में। यूनिवर्स आपके ज़िंदगी में खुशियाँ भेज रहे हैं, क्योंकि कुछ भी नेगेटिव कार्ड आया ही नहीं है यहाँ पे, तो मैं कैसे बोल दूँ। सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बहुत बेस्ट होने वाला है आपके लिए। सॉरी। तो ये चीज़ें आपको अब नियर फ्यूचर में देखने को मिलेगी। कुछ और अगर आ रहा है तो देख लेते हैं और क्या है। तो अब आपको खुशियाँ तो मिल रही है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ गाइडेंस भी अगर यूनिवर्स देना चाहे तो वो क्या हो सकती है, ताकि ये खुशियाँ ऐसे ही आपके साथ बनी रहे। इसके लिए क्या होगा? लेट्स सी। रिजेक्शन, ये कार्ड पहले भी आ चुका है, शायद तब आया जब मैंने अपने सेकंड चैनल पर रीडिंग की थी, रिजेक्शन का कार्ड एंड गॉसिप। ये दो कार्ड एक साथ हैं और इम्पेशंस का भी कार्ड है। ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है, ठीक है। प्रेयर, आपको ना इस टाइम सबसे ज्यादा इंट्यूशन फॉलो करनी है, क्योंकि ना आपकी इंट्यूशन तो कहती है सब कुछ ओके होने वाला है, सब कुछ अच्छा होने वाला है, बट आपका माइंड आपको कंफ्यूज कर रहा है, ओवर थिंकिंग करवा रहा है आपसे, या फिर कंफ्यूजन बढ़ा रहा है और रिजेक्शन का डर बढ़ा रहा है, इनसिक्योरिटी लेकर आ रहा है आपके माइंड में। आपका मतलब आपके अंदर इनसिक्योरिटी बढ़ रही है, ये ओवर थिंकिंग की वजह से हो रहा है जो आपका माइंड करवा रहा है। बट आपकी इंट्यूशन क्लियर बोल रही है आपको कि कुछ भी ऐसा नेगेटिव नहीं होने वाला। दैट इज़ वाई मेरे को गाइडेंस आपके लिए पता करनी थी। कुछ चीज़ें हैं गाइस जो आपको सरेंडर करके चलना पड़ेगा। कुछ चीज़ें हैं आपकी ज़िंदगी में जो आपको अभी समझ नहीं आती है, तो यही तो होता है ना लर्निंग फेज, हीलिंग वाला फेज है ना, उसी में हैं आप अभी भी। और फेथ बढ़ाना पड़ेगा अभी आपको। आपकी प्रेयर डिवाइन अच्छे से सुन रहे हैं। कोई रिजेक्शन, कोई ऐसा नहीं होने वाला कि आपकी लाइफ में आपको फिर से दोबारा से बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए और फेथ रखिए, ठीक है। इस इनसिक्योरिटी, कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश कीजिए, तब ये रिजेक्शन का डर आपके माइंड से जाएगा। जो गॉसिप कर रहा है आपके लिए करने दो, जो चीज़ें लिख दी गई हैं डेस्टिनी में वो तो देखो मिलकर रहेगी, ठीक है। और अब तो डिवाइन आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा टाइम लेकर आ रहे हैं। हो सकता है बहुत टाइम से आप जजमेंट का वेट कर रहे थे कि आपको आपके कर्मों को लेकर कुछ रिवॉर्ड मिले, अवार्ड मिले, वही टाइम आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। तो उसको कन्फ्यूजन और इनसिक्योरिटी के साथ इसे ख़राब मत करना, ठीक है। ऐसे में आपको करना क्या है, फेथ बढ़ाना है, पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलने हैं, ठीक है। ये काम आपको करना है, नेगेटिविटी नहीं लेकर आनी अपनी लाइफ में। और देख लेते हैं और क्या आएगा आपके लिए। यहां से वेट अ सेकेंड। ओ, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। यस, यू आर वेरी क्लोज, और ये गोल आप बिल्कुल अचीव कर लेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ 10 to 15% ही दूर हैं अपने गोल को अचीव करने में, बाकी 85% तो आप आगे आ चुके हैं ना, 85 to 90%। तो आगे के लिए भी आप पॉजिटिव रहें, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। टॉरस की एनर्जी है यहाँ पे, बाकी तो विरगो भी है, मैंने जोड़े से स्टार्टिंग में बताए थे। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, इस टाइम ना रिलैक्स रहो और सरेंडर कर दो।
क्योंकि जो कर्म किया है उसका फल आपको मिलेगा अब, तो इसलिए चिल रहो, ठीक है। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। अब अपना फेथ दिखाओ डिवाइन को, ठीक है, एंड ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन। अपनी इस सिचुएशन में प्यार भी लेकर आओ, खुद से प्यार करो। ये नहीं कि बस रिजेक्शन का डर है, इनसिक्योरिटी है, इन सब चीज़ों को बिल्कुल हटा दो। पास्ट में की गई मिस्टेक को आपको रिपीट नहीं करना। ओवरऑल एनर्जी यहाँ से आ गई है, विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। तो आपको विक्ट्री मिल रही है, आपकी आपकी लाइफ में विक्ट्री आ रही है, आप सक्सेस अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए कोई नेगेटिव थॉट्स यहाँ नहीं होना चाहिए, बिकॉज आप बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये गाइडेंस उनके लिए भी हो सकती है जो अपने पास से थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं, सही जाते जाते, तो आपको ये गाइडेंस बहुत हेल्प करेगी। तो अपने माइंड में रखना ये बातें, क्योंकि आपके लाइफ में बहुत अच्छा टाइम आप अट्रैक्ट कर रहे हो, तो ये ख़राब नहीं होना चाहिए। अच्छा, कुछ लोगों को ये भी हो सकता है, कुछ को जॉब मिल गया है तो अब वो बहुत रिलैक्स माइंड से आगे काम करेंगे, है ना। ये चीज़ें भी हो सकती हैं कि अब ज़िंदगी का आगे का टाइम बहुत अच्छे से जाएगा, सिक्योरिटी है ना, ये सारी चीज़ें आपके साथ हैं अब। ओके, यहाँ से देखते हैं। ओह वाओ, सिचुएशन इन द बैलेंस That require careful handling. तो careful handling तो आपको चाहिए, वो तो हर वक्त चाहिए, balance तो होना ही चाहिए हमेशा, ठीक है। ओ वाओ, देखो new job आ रहा है, new options आपको देखने को मिल सकते हैं। और देखो गोल्ड फिश का कार्ड सबसे अच्छा है, इंक्रीज इन मटीरियल वेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ और मटीरियल वेल्थ आपके पास आ रहा है, ठीक है। और डीलिंग और रिलेशनशिप विद यंगर वूमेन, हो सकता है आप में से कुछ जो लोग यहाँ पर कनेक्शन में हैं वो किसी छोटे से प्यार करते हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है कुछ के लिए, बट आपके लिए पॉसिबिलिटीज बढ़ गई हैं और पाथ भी, न्यू पाथ आर ओपनिंग फॉर यू गाइज। और बस थोड़ा सा आपको बैलेंस बनाना है अच्छे से, बाकी तो सब कुछ अच्छा हो रहा है, ठीक है। रास्ता आपके लिए देखो डिवाइन ने एक नया खोल दिया है, जिसमें आप एक नए फेज में जाएंगे। और पहले ही हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ठीक है। तो बहुत बहुत ही प्यारे कार्ड हैं, आपको देखो फेथ बढ़ाना है और गुड लक और प्रॉस्पेरिटी और मटेरियल वेल्थ आपके पास आ रही है, ओके। और एक एम्परर की तरह आप बिहेव करेंगे कुछ टाइम के बाद ही, क्योंकि बहुत अच्छा टाइम आप अट्रैक्ट कर रहे हो और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफ़ी बढ़ रहा है। तो यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं और आपके पास्ट कर्मों का रिजल्ट एज अ रिवॉर्ड आपको मिलेगा, ठीक है। तो खुश रहिए और अच्छे से मैनिफेस्ट कीजिए। एक कार्ड मैं और लेना चाहूँगी आपके लिए, यहाँ से क्या आएगा, येस और नो में, यहां से देखेंगे गाइज। अनलाइकली, अनलाइकली का कार्ड है, अनलाइकली एंड डोंट स्टॉप। आप रुकिए मत, और कुछ को अगर लगता है कि 50-50% है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप अच्छे से एफर्मेशंस और एफर्ट्स लगा रहे हैं, एफर्मेशंस बोल रहे हैं और एफर्ट्स लगा रहे हैं, तो ये 100% येस होगा आपके लिए, लेकिन आपको रुकना बिल्कुल भी नहीं है, ओके। सो गाइज, दिस इज योर रीडिंग। आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। अभी के लिए बस इतना ही, बाय, टेक केयर।